Good morning, class. We are doing chapter number 19 agriculture. Today's topic is sedentary intensive agriculture. This type of farming is done on a permanent basis on a particular piece of land. The farmers settle permanently and do not move from place to place. They keep on cultivating on the same land holding year after year. The size of the farm is usually small, the use of animal and manual labor is maximum.

सीडेंट्री इंटेंसिव एग्रीकल्चर में जो फार्मिंग है वो परमानेंट और एक ही पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे की जाती है ये फार्मर्स जो हैं ये परमानेंटली अपनी फार्मिंग करते हैं ना कि इधर से उधर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं और ये अपनी कल्टीवेशन उसी ज़मीन पे उसी लैंड के टुकड़े पे करते हैं हर साल ईयर आफ्टर ईयर और जो इनकी फार्म का साइज़ होता है जो इनके ज़मीन का साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है और ये जो है एनिमल्स और मैनुअल लेबर यानी कि खुद से काम करते हैं ज़्यादातर और ये जो लैंड है इनमें इतनी अच्छे से खेती की जाती है कि इसमें दो से तीन क्रॉप्स पर ईयर उगाई जाती हैं और मशीनरी का यूज़ सबसे कम किया जाता है काव डंग यानी कि जो नेचुरल खाद है जो कि गोबर से बनती है वो यूज़ की जाती है और ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे और इसमें कोई भी हायर्ड लोग काम नहीं करते यानी कि लेबर काम नहीं करती है ज़्यादातर घर के मेंबर ही खुद से खुद से अपनी फील्ड्स में काम करते हैं दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेनली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया चाइना पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान एट्सट्रा राइस इज मेन क्रॉप बट अ ग्रेट वो प्रोड्यूस्ड, वीट बार्ले मेज कॉटन मिलेट्स एर इस तरह के फार्मिंग जो है वो, वो दुनिया के उन जगहों पर की जाती है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है जैसे कि इन्होंने मैंशन किया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन कंट्रीज में इंडिया चाइना पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश जापान साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आते हैं और ये किस तरह की क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाते हैं वो है राइस राइस जो है ये इनकी मेन क्रॉप होती है इसके अलावा बहुत सी वैरायटी की क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं लेकिन अलग अलग कंट्री ये जितने भी कंट्रीज के नाम थे उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उगाई जाती हैं जैसे कि वीट बार्ले मेज़ कॉटन मिलेट शुगर ये सब जो हैं और भी क्रॉप्स हैं जो इसमें उगाई जाती हैं Now, modern methods are also being introduced. Machinery like tractors, seed drills, harvesters, and threshers are also being used. High yielding variety of crops are being grown, which gives much higher yield per hectare. लेकिन अब जो है मॉडर्न मेथड्स को भी लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जैसे कि ट्रैक्टर्स सीड ड्रिल्स यानी कि बीज लगाने वाली मशीनें हारवेस्टिंग और थ्रेशर्स काटने वाली मशीनें और जो एच वाई सीड्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो उनके लैंड में से अगली तरह की जो टेक्निक है जो फार्मिंग है एग्रीकल्चर है वो कौन सा है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर This is commercial type of farming where most of the agro products are market oriented, market oriented. even the large quantities of food grains grown are meant for sale. Here, the size of the farm is quite big, often more than a thousand hectares. On such big farm, most of the work is done with machinery. These are the highly mechanized farm. This type of farming is done on sparsely or moderately populated part of the world. Now, this जो एग्रीकल्चर है ये कमर्शियल है कमर्शियल यानी कि बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे जो है एग्रो प्रोडक्ट्स कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनते हैं उगाए जाते हैं जो कि मार्केट ओरिएंटेड होते हैं जिनकी सेल जो है वो मार्केट में ज़्यादा होती है और इस तरह के जो फूड ग्रेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में उगाए जाते हैं और इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है सेल करना वो आ, आ, फूड ग्रेन उगाने के बाद उन्हें सेल कर दिया जाता है और इनके जो फार्म होते हैं ऐसे लोगों के जो फार्म होते हैं जो लैंड का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है नियर अबाउट थाउजेंड हेक्टेयर्स होता है और इन जो ये जो बड़े बड़े फार्म होते हैं इनमें ज़्यादातर जो काम है वो मशीनरी के द्वारा ही किया जाता है ना कि लोगों के द्वारा किया जाता है ये काफ़ी हाईली मैकनाइज फार्म होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा होता है और इस तरह की फार्मिंग जो है वो कहाँ पे की जाती है पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड के जो विश्व के पॉपुलेटेड पार्ट्स हैं वहाँ पर यह सबसे ज्यादा की जाती है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बींग प्रैक्टिस ग्रास लैंड दीज रीजन है सॉइल इज रिच डू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस द मेन एरियाज वेर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज डन आर द स्टीप्स लैंड ऑफ रशिया प्रेरीज ऑफ कैनेडा एंड यू एस पैम्पाज अजेंटीना एंड डाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया Although cattle farming is also practiced here, yet the area under crops is expanding and as a result, the grasslands are shrinking, giving way to agricultural farmlands. These parts are the greeneries of the world. Wheat is the most important crop of these areas. Other crops are corn, barley, rye, oats and cotton. Because of less labour and more mechanization, per person yield are quite high. इस तरह की जो फार्मिंग है वो ज़्यादातर मिड लेटीट्यूड ग्रास लैंड में मिलेगी आपको क्योंकि वहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है और वहाँ का जो ग्रोइंग सीज़न है वो भी इतना लंबा नहीं होता है और जो मिट्टी है वहाँ की वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ह्यूमस ह्यूमस प्रेजेंट होता है उनमें जिसके कारण जो फसल की क्वालिटी है और जो फसल का आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है वो है रशिया में ये स्टीप्स में किया जाता है इन कैनेडा प्रेरीज और यूएस और पैम्पास अर्जेंटीना में और ऑस्ट्रेलिया में डाउंस में किया जाता है इसके अलावा कैटल फार्मिंग भी यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है कैटल फार्मिंग मतलब यानी कि पशुपालन किया जाता है जो क्रॉप्स का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो ग्रासलैंड है वो श्रिंक यानी कि कम होता जा रहा है और एग्रीकल्चर फार्मलैंड जो हैं वो वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है द लैंड लेटीट्यूड ग्राफ लैंडस आर नोन एज द ग्रीनरीज ऑफ़ द वर्ल्ड और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है यहाँ की ऐसे एरियाज़ की वो है वीट इसके अलावा जो अदर क्रॉप्स हैं वो हैं कॉर्न बार्ले रे ओट्स एंड कॉटन यहाँ पर जो लेबर है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पर मशीनरी जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है इसलिए जो आउटपुट होता है वो इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि जो काम है वो मशीनरी के द्वारा किया जाता है इसमें लेस टाइम और लेस एफर्ट्स लगते हैं Next is plantation farming this is basically a commercial type of farming and a monoculture plantation farming is that practice of agriculture which is specialization of a single crop over large estates or farms where most of the work is done on scientific basis and where the product is processed before it become market oriented most of the plantation have been developed in tropical region under hot and humid climatic conditions these plantations are large in size and a large number of laborers are needed to work on them. although there are fluctuations in the international market, yet plantation agriculture is profitable. cocoa, coffee, tea, rubber, and sugarcane are the main crops produced in plantations. tea plantations are largely developed in india, sri lanka, and china. coffee plantations developed in sri lanka, india, arabia, liberia and west liberia in west africa and brazil rubber plantation in malaysia sri lanka india indonesia and brazil sugarcane plantation in australia indonesia cuba india and mauritius earlier the plantation were developed by the british french and the dutch with colonialism coming to the an end the plantation are now managed by local resident of independent states बेसिकली जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल यानी कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और इसे मोनोकल्चर प्लान प्लांटेशन फार्मिंग भी बोला जाता है मोनो यानी कि वन बिकॉज इसमें हम एक तरह की क्रॉप्स की जो है वो पैदावार यानी कि कल्टीवेशन करते हैं और उसी उसी को बेच उसी से प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन जो ज़्यादातर काम है ये किसके थ्रू किया जाता है ऐसी फार्मिंग में साइंटिफिक बेसिस पर किया जाता है और जो प्रोडक्ट है वो मार्केट ओरिएंटेड ही उगाया जाता है और जो मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन है वो कहाँ पे होती है आजकल जो डेवलपमेंट है वो प्लांटेशन uh, फार्मिंग की डेवलपमेंट ज़्यादातर कौन सी कंट्रीज में है ट्रॉपिकल रीजनज में जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो हॉट है और ह्यूमिड कंडीशन के साथ अवेलेबल है और जो प्लांटेशन है वो काफ़ी बड़े साइज पर और लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स के साथ की जाती है और इन सबको उन पर इकट्ठे काम करना पड़ता है क्योंकि जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है लैंड का इसके कारण जो फ़्लक्चुएशंस होती रहती है इंटरनेशनल मार्केट में लेकिन फिर भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसकी यहाँ इस ऐसे जो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट की जाती हैं कंट्री कंट्रीज़ के द्वारा और उनसे प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है तो ऐसी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं टी कॉफ़ी रबर शुगर केन कैकोआ तो इस तरह की ये काफ़ी मेन क्रॉप्स हैं जो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में उगाई जाती हैं टी की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा जो कहाँ की जाती है इंडिया में श्रीलंका में और चाइना में कॉफ़ी प्लांटेशन श्रीलंका इंडिया अरेबिया लिबेरिया और वेस्ट अफ्रीका में और ब्राज़ील में की जाती है और रबर प्लांटेशन सबसे ज़्यादा मलेशिया श्रीलंका इंडिया इंडोनेशिया और ब्राज़ील में की जाती है और जो शुगर केन है जो शुगर केन की कल्टिवेशन है वो कहाँ होती है ऑस्ट्रेलिया में इंडोनेशिया में क्यूबा इंडिया और मोरिशस में पुराने समय में ये जो प्लांटेशन सिस्टम है ये ब्रिटिश फ्रेंच और डच के द्वारा डेवलप किया गया था लेकिन अब जो है कॉलोनिज्म एंड हो चुका है ख़त्म हो चुका है इसलिए ये जो प्लांटेशन है, ये जो लोकल रेजिडेंट हैं लोकल जो लोग हैं और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जितनी भी उनके द्वारा जो है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर हैंडल किया जाता है और वही अब इनको संभाल रहे हैं